पापा जी के पर्स से पैसे चोरी कर रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। और आज गुड मॉर्निंग तो बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज क्या है कि अभी ना 12:30 बज रहे हैं आज सुबह के। मैं ना सुबह से आज परेशान हूँ क्योंकि 8 बजे से लाइट चली गई है ऑलमोस्ट, और अभी तक लाइट आई नहीं है। फ़ोन भी डेड होने वाले हैं, मतलब 12-13% बैटरी बची। और हाँ, इसी के साथ साथ हमारा वीडियो अभी 12:30-1 बजे, ये 12:30 बजे अपलोडिंग कंप्लीट हुई है। अभी ना बहुत सारा काम है, थंबनेल सब कुछ लगाना बाकी है अभी। मतलब देखिए, ये क्रीम लगाती हुई, इतनी समय क्रीम कोई लगाता है? अभी तो नहा के आई है, ये भी सही बात है। पूरे दिन भागो और मस्त, ना काम करना है कुछ ना कुछ भी। तो अभी चलते हैं खाना। अरे हो गया, चलो हटाओ, शांत रहो। अभी चलते हैं खाना खाने, बिकॉज ना आज ना उड़द की दाल बनी मस्त फ्राई करके मम्मी ने बनाया है। बोलिए जल्दी से, कुछ कह रहे थे, क्या बोले थे, बोलो ना। आप बोले थे कि 100 रुपए देने वाले हैं तुम्हें। और गाइस देखिए, इस तरह भैया वीडियो ना अपलोड कर रहे हैं लेट करके। इनके पास कुछ काम ही नहीं है तो बैठ करके करना चाहिए, लेकिन ये तो लेट करके कर रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 4, मतलब शाम टाइम के। मम्मी मस्त अभी चाय लाई है, मजे से चाय पिए हैं। स्वाति मैडम भी ना चल रही है कोचिंग क्लास, आपको दिखाता हूँ किस तरह वो पढ़ाती है शाम को कोचिंग बच्चों को। क्योंकि आज सैटरडे, आज मैं गया नहीं था तो उसके बच्चे आ गए पढ़ने। जिस दिन एक दिन अपने से गैप कर देती है ना, किसी के दिन सो जाती है यहीं पर, फिर पढ़ाती ही नहीं है, तो सरंडे को पढ़ाना पड़ता है उसे। तो अभी तक मैंने इस हफ्ते ना गैप नहीं की है, तो कल चुक रहेगी छुट्टी बच्चों की। अभी चल रही है उसकी कोचिंग क्लास, ये मैडम जी की चल रही है क्लास, और ये 3-4 लोगों को एकदम डरा धमका कर रखी हुई है। गाइस, मम्मी ने ना कल रखा था दही हम लोगों के लिए मस्त खाने के लिए, क्योंकि दूध ना इस समय ज़्यादा मन नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा एक टाइम रात को पी लेते हैं हम लोग, सुबह भी देती हैं तो नहीं पीते हैं ज़्यादा। सुबह वाला दूध ना कल मम्मी जमा दी थी, मतलब दही के लिए, इतनी सारी दही, मतलब 1 kg के आसपास होगी दही खाने के लिए। तो आज हम लोगों ने ना खाया नहीं है, आज इसकी बनेगी लस्सी। अभी देखते हैं, अगर मम्मी बनाएंगे तो ठीक है, क्योंकि वो उन्हें पसंद ही नहीं है ज़्यादा, तो देखते हैं कौन बनाता है। तो फिर मैं तो खुद हूँ ही, क्योंकि खाना अपने को ही। कभी ना पापा को पहुँचाने जा रहे हैं मंदिर, भैया पापा जी के पर्स से पैसे चोरी कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान जयंती मनाने सुमन भैया के गांव साइड, मैं और गोलू, यहाँ से 2 लोग, राहुल लोग भी चले गए हैं। हाँ, राहुल और हरदी से भी एक ठो कोई, जिसके पास अपाची है शायद, लाला, हाँ लाला, 2 लोग, वो लोग भी पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग भी जल्दी से चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 1/2 घंटे लेट। अभी हम लोग आए थे ना काम से, थोड़ा सा रीवा 10 मिनट के लिए, बट काम तो हुआ नहीं, तो आए हैं मार्केट साइड। थोड़ा सा एक जगह गोलू बताया कि डोसा अच्छा मिलता है, वहीं से ज़्यादा पता है कहाँ क्या मिलता है, तो करैया वाले वहीं तक आना, वहीं से लौट जाना। अभी आए हम लोग डोसा खाने, कहाँ पास आए, यहीं पास थोड़ा सा बस, मतलब 5 मिनट का रास्ता रह गया है। यहाँ से हम लोग ना डोसा चेपते हैं भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, क्योंकि खाते हम लोग नहीं है, चेपते हैं, क्योंकि जब तक पेट से ना बोल दे आवाज़ कि हाँ बस हो गया खाना, उसे कहता है कि थोड़ा सा टेस्ट करो और चलते बनो, लेकिन हम लोग मतलब ठूस ठूस कर चेपेंगे। ये पहुँच गए हम लोग, ये हम लोग अपने पहुँच गए हैं सेंटर में। डोसा तो खा चुके, बट फुल्की खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा देख कर ना मन बिल्कुल नहीं पड़ रहा, लेकिन खाएंगे जरूर, खाएंगे जरूर आज खाएंगे फुल्की, क्योंकि ऐसी जगह हम लोग आए हुए हैं ना चौपाटी, तो फुल्की तो बनता है भाई साहब। देखिए जहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं, यहीं पे हम लोगों को भी जाना है फुल्की खाने, हिम्मत हो नहीं रही, फुल्की नहीं खा पाए, अंत में हम लोगों को फिर आइसक्रीम भी खाना पड़ा। क्या बोलोगे, दुख करो। और अभी भी देख लीजिए इतनी भीड़ भाई, मतलब हम लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है।
पता नहीं क्या सोचकर, मुंह सही नहीं है या चंदन देखकर भक्त समझ रहा है। पेट्रोल पंप पे रुके हैं, बोलो अपनी गाड़ी में डलवा रहा है पेट्रोल, डल भी गया। भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा थी इसलिए 10 मिनट का वेट करना पड़ा, बिकॉज चार चार लेन चलती हैं तो अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी घर, मस्त वहाँ ना प्रसाद वसाद लिए, इसके बाद चले आएंगे। गाइस ये रही हम लोगों की आज जो हम लोगों ने दोपहर में बनाया, होम मेड लस्सी, मस्त गाढ़ी गाढ़ी सी। सभी लोग ना घर में पी चुके हैं, फिर मेरी बस रखी हुई थी, मैं अपना रख कर चला गया था वहाँ मंदिर के लिए। अभी आए हैं 8:30 बज रहे हैं, सभी लोग मस्त खाने में लगे हुए हैं। स्वाति मैडम मम्मी बना रही हैं खाना, पापा नाश्ता थोड़ा सा शाम में किए हैं, चाय वगैरह पिए और लस्सी पिए, उसके बाद चले गए हनुमान जी के वहाँ ना गानतान हो रहा है यहीं पे तालाब के पास, तो वहीं चले गए। बब्बा भी अपना मस्त लेटे हुए मंदिर गए थे, वो भी बरसा घर के पास मंदिर है ना जहाँ भागवत थी अपनी, तो वहीं चले गए थे, वहीं पहुँचा आया था मैं। बब्बा को ना पता नहीं आज सुबह से लेफ्ट वाली आँख में ना प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा आंसू और दर्द भी है हल्का हल्का सुबह से, तो साथी ने हालांकि सुबह ही डाला था बट दवा डाली थी, तो थोड़ा अभी पूछा जाकर तो बोले हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो अभी भी डलवा दिए, अगर सही हो जाएगी आँख तो ठीक है, नहीं तो फिर कल दिखवाएंगे डायरेक्ट डॉक्टर को चल के। बिकॉज क्या है ना कि फिर उनको जैसे बुखार वगैरह आ जाती है कि टैबलेट दे देते हैं और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, देखते हैं आज बस वेट करेंगे, अगर आज कल मतलब सुबह देखेंगे तो फिर शाम को डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी बात नहीं हुई है, मैं नंबर लगाए हैं डॉक्टर को, क्योंकि देखते हैं क्योंकि उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा होने लगता है कभी कभार। रात के बज रहे हैं 12 और सभी लोग ना मतलब स्वाति लगी हुई अपनी बाहर प्रैक्टिकल लिखने में, बिकॉज क्या है मंडे और ट्यूसडे 2 दिन उनके पास टाइम है मैं प्रैक्टिकल जमा करने के लिए, आज लगी हुई है, आज लिख जाएगा मतलब, बस ज़्यादा नहीं बचे 1-2 चैप्टर बचा है, तो आज और कल तक में उसका कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो वो मंडे को दे देगी कॉपी, नहीं तो फिर ट्यूसडे को दे देगी। अभी ना इस ब्लॉग का ही पेंट करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, राधे राधे।